बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितनी एक्सरसाइज और जितने क्वेश्चंस आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि यार आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, एज इज मेड अप ऑफ वुडन प्लैंक, आप थिकनेस टी ऑफ द एज, एज की थिकनेस कितनी गिवन है, टी गिवन है, तो हम कह देते हैं थिकनेस इक्वल्स टू टी, ठीक है, उसकी थिकनेस है एच की। और नंबर ऑफ प्लैंक्स, नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्लैंक्स इक्वल्स टू एन आ जाएगा। अब कहते हैं आपके पास प्लैंक्स कितने, फोर हैं, फोर प्लैंक्स मेक, अच्छा पहले सबसे तो आपको कह रहे हैं कि जो थिकनेस टी ऑफ द एज वेरीज डायरेक्टली, मतलब ये जो टी है ये वेरीज डायरेक्टली है किसके, नंबर ऑफ प्लैंक के, तो एन के आ जाएगा। हम यहाँ से इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो आपको पता है इक्वल्स टू और कांस्टेंट लग जाते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब इसका आगे हम रीड करते हैं, कहते हैं फोर प्लैंक्स हैं आपके पास, मतलब एन कितने हैं, एन इक्वल्स टू फोर है और थिकनेस कितनी है 12 सेंटीमीटर, टी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। हम इसमें पुट कर देते हैं, टी की जगह 12 पुट कर देते हैं, के को वैसे ही रखेंगे और एन की जगह 4 पुट कर देते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू के, तो आपके पास के की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। के की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली है। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। आपको कह रहे हैं फाइंड द थिकनेस, मतलब आपने टी को फाइंड करने ऑफ द एज व्हेन नंबर ऑफ प्लैंक इज, नंबर ऑफ प्लैंक आपके पास कितने हैं, 6 हैं, तो इसको हमने पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, टी इक्वल्स टू के एन, टी आपने फाइंड करना है, के की वैल्यू आपके पास 3 है और एन आप के की वैल्यू आपके पास 3 और एन की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6 है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करने 603 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब थिकनेस, उन्होंने थिकनेस की यूनिट उन्होंने क्या दी हुई थी क्वेश्चन में, थिकनेस की सेंटीमीटर, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर, तो आपके पास ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं फाइंड नंबर ऑफ प्लैंक्स, मतलब आपने एन फाइंड करने वेन थिकनेस ऑफ द एज इज, टी आपके पास कितने 9 सेंटीमीटर है, तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सबसे पहले तो आपने इक्वेशन 1 लिखनी है, टी इक्वल्स टू एन के आ जाएगा, ठीक है, टी को टी की जगह हमने पुट कर देना है 9, के आपके पास ऊपर हमने फाइंड किया था 3 और एन आपके पास वैसे ही रहेगा। अब एन और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं, 3 1 इज 3 3 3 टाइम्स 9, तो आपके पास 3 इक्वल्स टू एन आ जाएगा, और जब आप इसको अरेंज करके लिखेंगे तो एन आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्लैंक्स 3 हो जाएंगे और थिकनेस आपके पास कितनी आ जाएगी, 18 सेंटीमीटर आ जाएगी।